दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एस एजुकेशन न्यूज़ में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान सरकार गहलोत सरकार की कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग है वो हो चुकी है और उससे अपडेट निकल कर के आया है चिकित्सा विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों दोस्तों चिकित्सा विभाग जो भर्तियाँ होंगी उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से और ये देखिए ऑफिशियल जो राजस्थान सरकार का जनसंपर्क सूचना पोर्टल है सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल अपडेट है और इसमें देखिए दोस्तों किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है ये तो है टैगलाइंस लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों इसके अलावा जो भर्तियों के लिए जो संशोधन किए गए हैं वो यहाँ पर देखिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के संग्रह अध्यक्ष क्यूरेटर के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन यहाँ पे किया गया है इस निर्णय से इतिहास के विद्यार्थियों के साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर म्यूजियोलॉजी जो है उस क्यूरेटर पद के लिए एक अनिवार्य योग्यता कर दी गई है इतिहास के विद्यार्थी तो पहले से एलिजिबल थे अब म्यूजियोलॉजी को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है इसके अलावा कैबिनेट ने भूजल विभाग में कनिष्ठ भूभौतिक विद के पिचहत्तर प्रतिशत जो पद हैं सीधी भर्ती से और पच्चीस प्रतिशत पद जो है पदोन्नति से भरने के स्थान पर आप फिफ्टी फिफ्टी कर दिया गया यानी कनिष्ठ भूभौतिक विद की जो भर्तियां हैं या जो कैडर है उसमें पचास पचास प्रतिशत पद ओपन भर्ती से पचास प्रतिशत पद दोस्तों प्रमोशन से भरे जाएंगे इसके लिए राजस्थान भूजल सेवा नियम उन्नीस में संशोधन को मंजूरी दे दी है साथ ही पदोने के लिए न्यूनतम अनुभव दो वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष करने की स्वीकृति भी यहाँ पर प्रदान कर दी है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग संविदा देखिए सहकारिता विभाग में सहकारिता विभाग के संविदा फार्मासिस्टों को भर्ती में मिलेगा बोनस अंकों का लाभ साथ ही मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम उन्नीस यथा संशोधित के नियम उन्नीस में संशोधन को स्वीकृति दे दी है इसे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ मिलेगा तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों अपने आप में यानी कि सहकारिता विभाग जो है उसमें जो फार्मासिस्ट लगे हुए हैं चिकित्सा विभाग के अलावा उनको भी यहाँ पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा ये बड़ा अपडेट है अपने आप में और अब दोस्तों इस नियम संशोधन के बाद फार्मासिस्ट भर्ती का रास्ता लगभग 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 साफ हो चुका है तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा अपडेट है चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट भर्ती आवेदकों के लिए सहकारिता विभाग में जो फार्मासिस्ट हैं पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनको भी अब बोनस अंकों का लाभ मिलेगा ये बड़ा अपडेट है दोस्तों अपने आप में वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये संशोधन दोस्तों जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूं इसका पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहें तो टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है वहां से आप लोग दे सकते हैं इसे दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी और अब फार्मासिस्ट भर्ती का रास्ता साफ जैसे इस नियम को कार्मिक विभाग डी जारी करेगा उसके बाद दोस्तों इस बाद भर्तियां आ जाएंगी चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट की धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत